फतेहपुर जिले के हथगांव थाने के समरेहा गांव की एक महिला बड़ी ही विचित्र प्रकार की बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी की वजह से महिला को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए जब महिला आई तो डॉक्टर्स भी महिला की हालत देखकर चकित रह गए। सूजी नहीं? क्या सूजी कहाँ निकलती है? सूजी पांच हो जाती है। पैर से निकलती है? तीन ठो, तीन पांच ठो। कितने दिन से निकल रही है? पांच साल। जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर जमीन पर बैठी इस महिला का नाम अनुसुईया देवी है, जो अपनी बीमारी की वजह से उठ बैठ तक नहीं पा रही। बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस महिला की बीमारी की वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि जमीन पर अपने भाई के साथ बैठी इस महिला की पैरों से सुइयां निकल रही हैं और वो भी लोहे की। जी हाँ, लोहे की सुइयां महिलाओं के दोनों ही पैरों में हैं, जो आपको इसके एक्सरे में भी दिख जाएंगी। वहीं पीड़ित महिला के भाई की माने तो महिला साल 2012 से इस बीमारी से पीड़ित है और उसने यहां तक कहा कि महिला के पैरों में कभी भी कोई चोट नहीं लगी थी। 2012 से लेकर आज तक परेशान, उसके पहले से तीन मेल की सूजी निकलती, सेरेंस है, कील है, कपड़ा सीने वाली भी है। ऐसे करके मैं हथगांव से सिमराग रहने वाला हूँ, हथगांव मेरा थाना है। उसके बाद बहुत जगह दवा कराया, इलाज करा, कोई फायदा नहीं मिला। महिला के भाई ने बताया कि उसके पैरों में लगी सुइयां जब घाव हो जाती हैं तो अपने आप भीतर से निकलने लगती हैं, जिसको उसने अपने साथ कागज में निकाल रखा है। ऐसे में जब हमने डॉक्टर से बात की तो उनका साफ कहना था कि डॉक्टरी के पूरे करियर में ऐसा अनोखा मामला अब से पहले उन्होंने न कभी देखा है और न ही कभी सुना। वहीं डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि महिला को इलाज के लिए पूरी मदद की जाएगी और अगर यहाँ सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो उसे बड़े अस्पताल में भी इलाज के लिए भेजा जाएगा। ये अनुसुईया नाम की महिला आई है सतगांव थाना क्षेत्र से, जिसके दोनों पैरों में घुटने के नीचे एक्सरे कराया गया तो कीलें दिख रही हैं, अब कीलें निकल भी रही हैं उनका कहना है, और जो एक्सरे में दिख रहा है वो एज ए डॉक्टर मैंने जो है उसके पूरे शरीर का एक्सरे कराया। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है कि अगर कीले शरीर से निकल रही हैं तो शरीर का और भी जगह उसे निकलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा उसमें दिख नहीं रहा किसी भी एक्सरे में, सारे एक्सरे देखने के बाद। तो अब इसके आगे क्या है, कोई चमत्कार है या मेडिकल साइंस का कुछ है, तो इसके लिए मैं हार्ट सेंटर में रिफर कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।